नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। अयोध्या शहर के देवकाली स्थित मित्र मंच में राष्ट्रीय कार्यालय पर गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये मित्र मंच प्रमुख शरण बाबा के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के द्वारा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्रीय समरसता कपिल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मित्र मंच के समर्थकों ने जमकर नारे लगाए, ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य सभी हिंदुओं को संगठित कर सनातन संस्कृति को मजबूत करने का एवं राष्ट्र को परम वैभव ले जाने के लिए प्रेरणा दी गई। वहीं युवा मित्र मंच के प्रदेश अध्यक्ष यश पाठक ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि जो हमारी विरासतें हैं, हमारी धरोहर है, उसको वापस लाने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी प्रयास करना होगा वह सब किया जाएगा। तो ये जाकी है, मथुरा काशी बाकी है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए भैया, सब लोग अपन जो है गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था जिसमें हजारों लोगों की संख्या ने भाग लिया। खास बात यह है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मित्र मंच अथक प्रयास कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है और मित्र मंच का शीघ्र एक कार्यक्रम हो रहा है कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षार्थ के लिए हम लोग जगह जगह लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे अपनी धर्म और अपनी संस्कृति को बचाए रखा जा सके। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मित्र मंच का पुराना नारा रहा है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, भारत माता की जय। और काशी के लिए भी, मथुरा और काशी को मुक्त कराने के लिए भी अथक प्रयास करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जनमानस सम्मिलित है, आरएसएस के भी लोग सम्मिलित थे। जो लोग यहाँ, यह है कि आप लोग अपने धर्म और संस्कृति को बचाएं और अपनी रक्षा के लिए अगर एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखने का प्रयास करें। भारत। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर।